हेलो स्टूडेंट्स, आप लैसन नंबर 7 ते पहुँच गए हैं, लेक्चर नंबर 7 ते। ठीक है जी, तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तुहानू हुण ऐ पता लग गया कि एक्चुअली बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग कहिंदे किहनूं ने। हुण आपां पॉसिबिलिटीज़ होर एक्सप्लोर करनियां ने, 20-22 मिनट च होर चीज़ां समझण की कोशिश करनी हैगी है। ठीक है, स्टेटमेंटां वड्डियां ने, क्वेश्चन छोटे ने, इस करके घबराना नहीं हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, ए सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग है। एनसीईआरटी च एक एक्सरसाइज सी, 5 क्वेश्चन सके, असी कर ली, पर असी मोर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है कि होर किदां दे हालात होण कि सानू समझ आ जाण। तो कहिंदा 5 परसन एंटर इन ए लिफ्ट, लिफ्ट कैबिन ऑन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर तो 5 बंदे लिफ्ट कैबिन च बैठे ने। ठीक है, 8 फ्लोर हाउस है तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये हाउस है जी तुहाडे कोल। नीचों शुरू करिए, फ्लोर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्लोर 7, फ्लोर 8, अगे जाके फ्लोरस, ये लिफ्ट है थोड़ी, अगे फ्लोर बनिया भी हुई हैं। तो कहना 5 परसन, 5 परसन जेडे लिफ्ट एंटर किए ने, ये लिफ्ट है जी थोड़ी। सो 5 परसन थोड़े तो लिफ्ट भी एंटर किए ने, 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 परसन लिफ्ट है। सपोज ईच ऑफ दैन कैन लीव इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब है भी रिश्तेदार नहीं है, भी सारे इकट्ठे इको थान पर उतर जाएंगे, भी हरेक एक दूजे को कोई नहीं जानता है। लीव इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर। ठीक है, ये किसी भी फ्लोर पर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द बिगिनिंग ये लीव कर सकते हैं। ठीक है, हुण आपां क्वेश्चन की हैगा, एनी फ्लोर। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच परसन कैन, ठीक है, एट एनी वन ऑफ द 7 एट डिफरेंट फ्लोरस। हुण सिंपल जी गल है, पंजाबी दे विच स्टेटमेंट तुसीं पढ़ी ली, तो देखो मतलब आप पहले क्वेश्चन समझण की गल करिए, फिर मैं दोबारा पढ़दा। वो कहिंदा 8 फ्लोर का हाउस है, कोई 8 फ्लोर की बिल्डिंग हैगी है, 5 बंदे चढ़े ने, तो 5 इंडिपेंडेंट है, कोई रिश्तेदार नहीं भी इकट्ठे उतरांगे, कोई यार दोस्त नहीं भी इकट्ठे उतरांगे। तो 5 बंदे ने तुहाडे कोल, तो वह कहिंदा कि एक ऑप्शन तो यह है कि किसी भी फ्लोर पर लीव कर सकते हैं 7 फ्लोर चो। ठीक है जी, तो जिहड़ा 8 फ्लोर हाउस है, ग्राउंड फ्लोर तो जिहड़ा हैगा आपां चढ़े हाँ तुहाडे पास। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे को ग्राउंड तो लैके 7 लिखणियां सी, कोई दिक्कत नहीं की तुहाडे को। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, डायग्राम थोड़ी सैट करनी पैनी है पर तुहानूं गल समझ आ जाएगी। कहिंदा suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with first, माने फर्स्ट ते सारे हैगे ने तुहाडे को। ठीक है जी, ते उस तो बाद फाइंड द टोटल नंबर, मतलब ग्राउंड फ्लोर उन्हें कवर नहीं की, फर्स्ट ते ऑलरेडी हैगे, फर्स्ट तो फिर 7 ही रहनगी है, एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोरस। ठीक है जी, हुण सिंपल जी गल है, जे आपां इस चीज़ नूं ध्यान नाल देखिए तुहाडे कोल, बई अगर मैं एट एनी ऑफ द 7 फ्लोर, पहला बंदा है, पहला इसते भी उतर सकता है, इतने भी उतर सकता है, पहला बंदा इतने भी उतर सकता है, एनी ऑफ द 7 फ्लोर, एनी ऑफ द 7। तो जिहड़ा पहला बंदा है वो तुहाडे कोल 7 वेज नाल उतर सकता है, दूजा एनी ऑफ द है, दूसरा पहले वाले दे नाल भी उतर सकता है, तो पहले वाले तो डिफरेंट भी उतर सकता है, एट एनी ऑफ द फ्लोर है तो पहले वाले दे नाल जे उतरना तो भी कोई हर्ज नहीं गा, जे पहले वाले तो डिफरेंट उतरना तो भी कोई हर्ज नहीं, ये मतलब दूजे को भी 7 पॉसिबिलिटीज़ ही ने, तीसरे को भी 7 ने, उसकी मर्जी है, चौथे को भी। तो जे 7 मंजिला ने ग्राउंड, मतलब पहली तो खड़े ने तुहाडे पास, पहली तो एंटर किए ने, बचिया 7 ने, तो वह 7 साढ़े को सारिया ऑप्शनस है, तो यह मतलब पहले केस की फार्मूला आंसर आऊगा, एट डिफरेंट फ्लोरस, माने जिहड़ा परसन 1 है वो 7 वेज ना उतर सकता है। हुण परसन 1 ने मान लो फ्लोर 1 ऑक्यूपाई कर ली, तो हुण जिहड़ा दूसरा है कोई भी बंदा वो फ्लोर 1 ते नहीं उतर सकता, क्योंकि इहदे को एक फ्लोर फिक्स है जिथे उतरूगा। तो पहले बंदे को उतरन वाले को 7 वेज ने, तो दूसरा पहले वाले की जगह पर तो उतर नहीं सकता, उद को 6 बच जाएंगे, अगले को 5, अगले को 4, अगले को 3। सो तुसी मल्टीप्लाई कर लेना, तुहाडे कोल 7, 6, 5, 4, 3 जिन्ना भी आ जाएगा तुहाडा आंसर आ जाएगा 2520 है। ठीक हो गया जी, सो ये भी फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चन हैगा तुहाडे को। हुण अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक सौखा, एक थोड़ा जिहा ध्यान ज़्यादा मंगता है, 6 क्वेश्चन लिखे ने जी सिर्फ इस लैक्चर लिए तुहाडे को, सो 6 क्वेश्चन ते आपां ने फोकस करना है।
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਓ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰਸ ਵਾਰ ਦੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 100 and 1000 ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ 2 or 9। ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 9 ਹੋਵੇ, ਉਰੇ 2 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 9 ਹੋਵੇ, ਉਰੇ 2 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 9 ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਦਰ 2 or 9 ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਸਟੇਜਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਫਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਤਿੰਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਲੀ ਪਲੇਸ ਫਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਗਲੀ ਪਲੇਸ ਫਿਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਵੀ 2 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 100 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਵੀ 2 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ 2 × 2 × 2 8 ਵੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 5 ਵੇਜ਼, 6 ਵੇਜ਼, 10 ਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਵੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ 8 ਅੱਖਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, 2 2 2 ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਨਾ ਆਇਆ 2 ਦੂਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 2 9 1 ਦੂਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅੱਖਰ ਕੋਈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਤਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 2 2 ਹੋ ਗਿਆ, 9 9 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਚ 9 2 2 9 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, 9 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, 2 9 1 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ। ਸੋ 8 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਓ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਬਿਟਵੀਨ 100 and 1000, 100 ਅਤੇ 1000 'ਚ ਸੱਚ ਦੈਟ 7 ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 7 ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਅਪੀਅਰ ਐਟ ਆਲ, 7 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਅਪੀਅਰ ਐਟ ਆਲ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਇਨ ਵਿੱਚ 7 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਅਪੀਅਰ ਐਟ ਆਲ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਹਾਓ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰਸ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਕ ਤੋ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੁਸ਼ਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਆਫ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ 7। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ, 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 7 ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ, 7 ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ 7 ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ।
जिहड़ी चीज़ फिक्स हो जाती उहदी नंबर ऑफ वेज नहीं हुंदियां हैगियां। तो ये वन वे ही हो चुकी, कंडीशन इत्थे सी, कंडीशन उरे भी है, इत्थे जीरो नहीं आ सकती, इत्थे जीरो नहीं आ सकती। सो ये नाइन वेज ना हो जूगा। सो ये वन वे, ये नाइन वे, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। हुण बच की गया, बच गया जिहड़ा तुहानू रेपीटेशन दा, तो कोई दिक्कत है नहीं कि इहदे विच अक्खर च रेपीटेशन हो जाती है, ठीक है। हुण जिहड़ा सेंटर वाला अक्खर होगा उत्थे जीरो भी आ सकता, उत्थे सैवन भी आ सकता। हुण ये क्वेश्चन तुहानू ये किया, हाउ मैनी नंबरस आर बिटवीन दिस सच दैट सैवन इज़ इन यूनिट प्लेस। उन्हें ए नहीं किया, इस करके मैं ये अगला क्वेश्चन ये तो डिफरेंट हैगा तुहाडे कोल। उन्हें कहा सैवन इज़ एट यूनिट प्लेस, तो जे मैं आह अक्खर लिखा, इस सैवन तो यूनिट तो है, अगले बारे तो नहीं बोल रहा वो कुछ, तो मतलब इदा का नंबर भी वैलिड रहेगा तुहाडे कोल, सैवन यूनिट प्लेस पर है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो उसने नहीं किया कि सैवन इस तो इलावा कित हो या कितने ना हो, तो इस प्लेस पर जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो तो इतने नहीं आ सकती। जो जीरो नहीं आ सकती पक्की गल है, क्योंकि जी कंसटेंट है वह तो लानी लानी है ना। सो ये प्लेस कैन बी फिल्ड इन नाइन वेज, इतने सैवन तो इलावा कुछ नहीं आ सकता, तो सैवन फिक्स है वन वेज। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन टेन वेज, इतने सत्त आवे जीरो आवे टेंशन कोई नहीं। सो नौ इंटू दस इंटू, सो ये थोड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगले थोड़ी दिक्कत है सैवन, क्योंकि तो यूनिट प्लेस ही सीगा चल पे। अगले देखो थोड़े कोल की हैगा। सो इस क्वेश्चन जो मैं पिछले रूल लिखा सी मैं अगले लिखना जी, ठीक है। सो हाउ मैनी नंबरस आर बिटवीन सो एंड दिस टोटल दैट सैवन इज इन यूनिट प्लेस, सत्त यूनिट प्लेस पे। तो हुण आपां चलीए जी अगले क्वेश्चन ते। इस क्वेश्चन नूं बहुत ही ध्यान नाल समझना है, क्योंकि ये थोड़ा जिहा टेढ़ा क्वेश्चन है। ये कहिंदा हाउ मैनी नंबरस आर देयर बिटवीन दिस सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज सैवन, एटलीस्ट वन, वन ऑफ देयर डिजिट इज सैवन, उहदा घट्टो घट एक डिजिट सैवन होवे, यानी कि आह वाली पॉसिबिलिटी सैवन नूं फिक्स करके उरे डिफरेंट रखोगे तां वी वैलिड है, सैवन नूं फिक्स करके उरे डिफरेंट रखोगे तां वी वैलिड है, आह वी वैलिड है। सो ये इस तरह तुसीं क्वेश्चन जिहड़ा हैगा कर सकते हो तुहाडे कोल, ठीक है। पर जिहड़ा हैगा इहदी बैटर वे की हैगी है, वह कहिंदा की है एटलीस्ट घट्टो घट वन ऑफ देयर डिजिट इज सैवन, मीनस सैवन होना जरूरी है, ठीक है। इहदा मतलब अगर मैं टोटल लै लाँ, टोटल थ्री डिजिट नंबर माइनस नो सैवन, ठीक है, थ्री डिजिट नंबर वेयर सैवन नॉट अपीयर्स, पिछे लिखा सी फार्मूला। तो अगर मैं सारे थ्री डिजिट नंबर लै लवा, ठीक है जी, थ्री डिजिट नंबर मैं लै लवा सारे, उस सैवन थ्री डिजिट नंबर सैवन नॉट अपीयर, जिस सैवन नहीं है वह सारे डिलीट कर दा। हूँ बचन के कहे जोड़े सैवन वाले हैं, चाहे एक सैवन हो, चाहे दो सैवन हो, चाहे तीन सैवन हो। तो यह मतलब है कि पहला तो मैं थ्री डिजिट नंबर क्ढा, पहले वाली ऑप्शन टोटल थ्री डिजिट नंबर, वो तो छेवीं वाला बच्चा भी दस दूगा, ठीक है। टोटल थ्री डिजिट कहने जो परमोटेशन ना भी लानी हो, हज़ार तो वो तो ही गिनने ने थोड़े पास जोड़े है, सौ तो लैके जे तुम चलोगे नौ सौ नड़िनवे तक, ठीक है, सौ गिणिया जाना, हज़ार ना भी गिणया गया तो भी नौ सौ ही बन गए टोटल, ठीक है जी। तो अगर आप देखिए थ्री डिजिट नंबर टोटल वो किमें होंगे, सो जी फस्ट प्लेस है वो इतने जीरो नहीं हो सकती, नो जीरो, तो ये नाइन वेज ना फिल हो सकती है। सैकेंड प्लेस रेपीटेशन अलाउड है दस वेज ना, नंबर च रेपीटेशन होंगी हुई है, तुम्हें को क्या तो होया नहीं, अरे सत्त सौ सत्तर सत्तर नंबर नहीं हैगा, हैगा दो सौ बई नंबर नहीं हैगा, हैगा तो मतलब इतने जे सत्त आ जाए तो इतने सत्त आने से कोई हर्ज भी नहीं है। जे अगले ने कहा नहीं आना फिर अगले की मर्जी, फिलहाल तो आप टोटल थ्री डिजिट नंबर काढ़ रहे हैं। टोटल थ्री डिजिट नंबर काढ़ने का मतलब की हो गया तुहाडे कोल, बई जिहड़ा हैगा ए आपां नूं इत्थे तां जीरो लग ही नहीं सकती ना, जीरो हो नहीं सकती तुहाडे कोल। तो जे तुसीं क्वेश्चन करोगे तुसीं प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, हंड्रड प्लेस है जिहड़ी तुहाडे पास उत्थे जीरो नहीं कंटेन कर सकती, देयरफॉर इट कैन बी फिल्ड इन नाइन वेज, बट टेंस प्लेस ते यूनिट प्लेस कैन हैव टेन वेज, तो फिर इहदा मतलब टोटल नौ गुणा दस गुणा दस, सो ये नौ सौ
थ्री डिजिट नंबर 900 हो जाएंगे। हुण 900 थ्री डिजिट नंबर हो गए तुहाडे पास, हुण हैगा तुहाडे पास हुण नंबर ऑफ डिजिट वैन थ्री डिजिट नंबर 7 डज नॉट अपीयर है ना, तो टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर इन विच 7 डज नॉट अपीयर, इन विच 7 डज नॉट अपीयर। ये चैप्टर सौखा नहीं है, ये गल पक्की है, ठीक है जी। जे तुसी कहो भी बहुत सौखा जी, केक वॉक है भी नहीं, पर जे ध्यान ना करोगे तो ओके हो जूगा, कोई रौला भी नहीं गा। सो टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर इन विच 7 डज नॉट अपीयर, 7 अपीयर नहीं होना चाहिए तुहाडे कोल, ठीक है जी। अगर 7 अपीयर नहीं होना चाहिए तो लो फिर 1, 2, 3 इधरों चलो कंडीशन, इतने 0 भी नहीं हो सकती, इतने 7 भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो जी आ प्लेस है तुहाडे कोल, इतने ना तो 0 आ सकता ना 7 आ सकता, देयरफॉर इट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। हुण जी अगली प्लेस है उत्थे सब कुछ आ सकता बट 7 नहीं आ सकता, तो ये 9 वेज अगली तो सब कुछ आ सकता पर 7 नहीं आ सकता। सो 9 वेज 9 9 81 81 8 ना गुणा कर लो जी, जिन्ना आजूगा तो आंसर आजूगा, 81 8 ना करनी 8 8 8 4 648, ठीक है जी। हुण 900 4 252, ठीक है जी, 650 ते 250 का ही फर्क है ना, ठीक है। 252 वेज या ऐसे नंबर होंगे 252 जिदे विच जिहड़ा 7 है तुहाडा एटलीस्ट वंस जिहड़ा हैगा आंदा, किते दो बार भी आ सकता, किते तीन बार भी आ सकता। ते जे तुसी कहो भी इदां करना सर, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा क्वेश्चन बई क्या तुसी इदां इस क्वेश्चन नूं कर सकते हो तुहाडे कोल, ठीक है। हाँ इदां भी किया जा सकता हैगा तुहाडे कोल भी किन्ने नंबर ने जेडे, जे कहिंदा हाउ मैनी नंबरस आर देयर बिटवीन दिस सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7, ठीक है। घट्टो घट उन्हां दा जेड़ा डिजिट हैगा है वो 7 है, ठीक है जी। तो ट्राई करके देख सकते हो तुसी भी, जे तुहाडे कोल भाई इस फार्मूले ना कीता जा सकदा, ये तो एक वे है, इहदा मैं तुहानू हिंट दे दिंदा वा। जदों ने कहा एटलीस्ट वन ऑफ देयर इज 7, तो केस 1 लिखना, केस 1 लिखना थ्री डिजिट नंबर हैविंग 1 7, ठीक है जी। वो 1 7 जिहड़ा होएगा कैन बी एट यूनिट प्लेस, कैन बी एट टेंस प्लेस, कैन बी एट थोड़े को ए वाली प्लेस से, फिर 2 7s, 2 7 ए इत्थे भी हो सकता, इत्थे भी हो सकता, फिर 3 7 उहदा इक्को केस आना, तो केस काउंट कर लेना 252 आणगे पर उलझ जूगा, ठीक है। सो ये सौखा तरीका है, बट ऐसा नहीं है कि इदा होणगे नहीं, उन्हें क्या एटलीस्ट वन ऑफ डिजिट इज 7, क्या कल्ले यूनिट पर हो सकता है, जरूरी थोड़ी ए एम ए भी तो बन सकता, क्या ये ते हो सकता, नहीं ए एम ए भी तो बन सकता, ठीक है। और 2 7 जेडे लईए वो इत्थे जेड़ा हैगा तुहाडे कोल, इत्थे कुछ होर होवे, डी 4 डिजिट है 0 नहीं है, तो फिर ये इत्थे भी हो सकती है, इत्थे भी हो सकती है, सो अदली बदली हो सकते हैं जी, ठीक हो गया जी। सो एक इक्को ही वे होगी, सो काउंट करोगे तो तुहाडे कोल जेड़ा हैगा आंसर आ जाएगा। सो लो जी अगला क्वेश्चन देखिए आपां, पर मैथड बहुत रिगरस है, काउंटिंग तो अद्धा घंटा लग जाए तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ट्राई करना वेले हो तो जरूर कर लियो। हुण आपां नूं क्वेश्चन कह रहा हाउ मैनी नंबरस डिविजिबल बाय 5 लाइंग बिटवीन दिस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। देखो जी हुण बड़ा स्टाइलिश ते सिस्टमैटिक तरीका है भी मैं 4000 एंड 5000 दे विच लैना है, 1 2 3 4 4 अखर, ठीक है जी। और अगर दे विच लैना है तुहाडे पास तां 4000 तो थले वाली रकमां तो नहीं लै सकते आपां, ते जिहड़े नंबर यूज़ करने मैं 4 5 6 7 8 ये वाले मैं नंबर यूज़ करने हैं तुहाडे कोल। हुण एक कंडीशन होर है, कहिंदा हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 लई इत्थे यूनिट ते एक कंडीशन हुंदी है, तुहानूं पहलां कहा कि कंडीशन लभणी है, यूनिट ते कंडीशन हुंदी, और यूनिट ते कंडीशन की है, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 0 तो सुखना रकम च नहीं हैगी,
ठीक है जी। इहदा मतलब की हो गया तुहाडे कोल, इहदा मतलब ये हो गया भी जिहड़ी तुहाडी यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे। हाँ जी ठीक हो गया जी तुहाडे पास, क्योंकि यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, सिर्फ इक्को तरीके ना वे हो सकती, वो वे है फाइव, तो यह मतलब उरे फाइव फिक्स हो गया, जिहड़ा फिक्स हुंदा हुंदा वन वे हुंदी है। ठीक हो गया जी। सो इत्थे तां कंडीशन गई मुक, डिविजिबल बाय फाइव बनाउणा, हुण वारी आ गई उरे, क्या इत्थे भी कंडीशन है? अरे जे तुसी कंडीशन नहीं लाओगे तो तुसी 4000 तो वड्डा नंबर किवें बनाओगे? ठीक है जी। जे तुसी 4000 तो नंबर वड्डा नंबर बनाउणा हैगा है, ठीक है जे मान लो मैं उरे 6 ला दा, चक लो फिर 6 ना की बनया, मुक गया मेला, जोड़ा भी अक्षर बनूंगा वो इन्हें तो बड़ा आ जाना, 7 ला लो तो भी बड़ा, यदा मतलब इतने 7 भी 6 भी कट्टिया गया, 7 भी कट्टिया गया और 8 भी कट्टिया गया, ईवन 5 भी कट्टिया गया। क्यों? क्योंकि जे 5 तो शुरू की तो पिछे एक अद्धा अक्षर आ गया, 5000 तो अगे लंघ जाना उन्हें, ठीक है जी, मगर पहले ही 5 है। सो यदा मतलब आह तो कट्टिया गई, तो यदा मतलब दिस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे। दिमाग पूरा खा जाते हैं क्वेश्चन थोड़े को, ठीक है। काउंटिंग ही है, काउंटिंग बंदा कहता गिणती हो गिननी है, कोई चक्कर नहीं, गिणती इन्नी बुरी तरह गिणाते हैं पता ही नहीं लगता थोड़े पास भी की गिणती गिन रहे हैं थोड़े को। पर 6 क्वेश्चन चूज़ किए थे भी 20 मिनट मुक जूगा तो नहीं मुकते हैं। सो 5 कट्टिया गया, 6 कट्टिया गया, 7 कट्टिया गया थोड़े पास, ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज़ फेल होगी, ओनली वन वे, और उत्थे आऊगा 4। सो यदा मतलब जिहड़ी थोड़ी 1000 प्लेस है वह भी एक तरीके ना ही फिल होनी है, जिहड़ी थोड़ी यूनिट प्लेस है वह भी एक तरीके ना, बिच बच गई 2 प्लेस। जो थोड़ा अक्षर 4 तो शुरू होया ना तो जो मर्जी डाल दो अगली प्लेस पर उन्हें सर जाना। सो जिहड़ी आ प्लेस है ये 5 वेज ना फिल हो सकती है, कोई चक्कर नहीं रेपीटेशन का, अगली भी 5 वेज ना फिल हो सकती है। सो 1 × 5 × 125 वेज नाल थोड़ा क्वेश्चन हो सकता। सो इस क्वेश्चन ते पूरा ठीक ठाक फोकस करना है जी, तो कोल अगे एक क्वेश्चन होर हैगा, वो ईजी है बट कन्फ्यूजिंग है। ए जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, फ्रेंड 5, फ्रेंड 6। ए जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड टू इनवाइट, हाउ मैनी वेज ही सेंड द इनविटेशन कार्ड इफ ही हैज 3 सर्वेंट, सर्वेंट 1, सर्वेंट 2, सर्वेंट 3। सर्वेंट ने फ्रेंड को जाना कि फ्रेंड ने सर्वेंट को आना? सर्वेंट ने फ्रेंड को जाना, तो यह मतलब की होया थोड़े को, ठीक है जी। हुण ध्यान ना देखना, सर्वेंट ने फ्रेंड को जाना है, ठीक है। तो जेड़ा फ्रेंड अगर आपां पहला चूज़ करिए, इत्थे आपां नूं बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पैंदा हुंदा, इहदे विच की दिक्कत है क्वेश्चन दे विच तुहाडे कोल, इहनां दा ना आंसर बच्चे नूं पता ही हुंदा, या तां आंसर 6 दी पावर 3 आएगा या 3 दी पावर 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी रेपीटेशन लैनी है। पर हुण आपां देखना की है तुहाडे कोल, सो कार्ड कैन बी सेंट बाय एनी ऑफ द सर्वेंट, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, अगर आपां देखिए तुहाडे कोल भी जिहड़ा कार्ड है, ये जिहड़ा पहला सर्वेंट है, ठीक है, आपां पहला फ्रेंड लैना इत्थों, ठीक है, क्योंकि चूज़ कर सर्वेंट तो नौकर तो बंदे दे अपने हैगे ही नहीं, तो उन्होंने फ्रेंड चूज़ करूँगा, सर्वेंट नहीं चूज़ करना है, सर्वेंट वाली ऑप्शन उसदे को 3 हैगियां ने। तो अगर फस्ट फ्रेंड नूं आपां ने ये भेजना हैगा तो इहदे को सर्वेंट 1 भी जा सकदा, सर्वेंट 2 भी जा सकदा, सर्वेंट 3 भी जा सकदा, ठीक है जी। सो ए जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड टू इनवाइट, हाउ मैनी वेज ही सेंड द इनविटेशन कार्ड टू दैम इफ द 3 सर्वेंट्स कैरी द कार्ड्स, ठीक है। तो जिहड़ा पहला फ्रेंड हैगा तुहाडे पास, क्योंकि इनविटेशन फ्रेंड नूं भेजना हैगा तुहाडे को, सो इहदा मतलब फस्ट फ्रेंड कैन बी इनवाइटड बाय आइदर सर्वेंट 1 और सर्वेंट 2 और सर्वेंट 3, सो इहदा मतलब फस्ट इन, तो सिमिलरली सैकेंड को भी भेजा जा सकता है, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल,
अपा ने फ्रेंड कोल सर्वेंट भेजना हैगा तुहाडे कोल, अपा सर्वेंट नूं ऑप्शन नहीं दे रहे हैगे तुहाडे कोल। बई जे एक बंदा इदां भी तां सोचदा वी आ सर्वेंट वन है जी, ये फ्रेंड एक को भी जा सकदा, दो को भी जा सकदा, तीन को भी जा सकदा, चार को भी जा सकदा, पांच को भी जा सकदा, छे को भी। इहदा मतलब पहला जिहड़ा हैगा सर्वेंट वह छे वेज, दूजा छे वेज, तां छे की पावर तीन तुहाडा आंसर हो जाएगा तुहाडे कोल। तो इत्थे यही ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल, बई आपा ने सर्वेंट नूं ऑप्शन नहीं दे रहे, आपा फ्रेंड नूं ऑप्शन दे रहे हैं कि फ्रेंड किसे तो भी, ए वाली सर्वेंट किसे कोल जा सकदा नहीं, आपा किसे को भेज सकते हैं। तो पहला सर्वेंट हैगा, ज्यों ज्यों अगे जाओगे टॉपिक डिवेलप होएगा, फिर इहदी थ्योरी आएगी, ठीक है, कुछ बाइनोमियल नाल संबंधित आएगी, पर चलो हुण देखते हैं की बनना हैगा। सो सर्वेंट वन टू थ्री हैगे हैं, तो बंदे को ऑप्शन है वो किसी भी इनविटेशन नूं इत्थे भेज सकदा, अगली बार इन्हां चों किसी नूं इत्थे इत्थे। सो तुहाडा तीन की पावर छे आंसर आएगा, ठीक है जी। तो जदों तुसीं शेयरेबल अनशेयरेबल ऑब्जेक्ट्स करोगे तो मैं टॉपिक दोबारा कराऊंगा, उत्थे भी तुहानूं क्लीयर हो जाता भी किने किदे कोल जाना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वैसे की हुंदा हुंदा, मतलब जिहड़ा शेयरेबल ऑब्जेक्ट हुंदा वो पावर च जांदा हुंदा, ठीक है जी। चलो हले रहन दो, तुहानूं पता नहीं चीज़ां हैगियां। सो फिलहाल इत्थे लैक्चर मुकाने आ जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। जे कोई कन्फ्यूजन रह भी गई तो वेट करो अगले लैक्चर्स की, जदों शेयरेबल अनशेयरेबल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है जी। थैंक यू।